चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो मिल रही है राजधानी भोपाल से। दमोह उपचुनाव का परिणाम भी आज घोषित होने वाला है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दमोह उपचुनाव के भी परिणाम घोषित हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। देश के 5 राज्यों के साथ साथ आज दमोह उपचुनाव के परिणाम भी घोषित होने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 22 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा। बीजेपी के राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन में मुख्य मुकाबला है। तो दमोह उपचुनाव का परिणाम भी आज घोषित होने वाला है। 14 टेबलों पर 26 राउंड में मतगणना होगी। परिणामों का मानस भवन में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। चलिए तो दमोह उपचुनाव के बारे में और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, आज देश के 5 राज्यों के साथ साथ दमोह उपचुनाव के परिणाम भी घोषित होने वाले हैं। एक कठिन कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते हुए क्या गाइडलाइन दी गई है, क्या तमाम तैयारियां की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, एक जिस तरीके से तैयारियां चुनाव आयोग की है, तैयारियां जिला प्रशासन की है, और जिस तरीके से लगातार ये जरूर देखने में आया था कि कोरोना का काल लगातार जारी था, ऐसे में चुनाव कराया गया। और 17 अप्रैल के बाद जब मतदान जो है वो 17 अप्रैल को हो गया, और उसके बाद से ही लगातार जो है बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो दमोह जिले में देखने को मिले हैं। तो ऐसे में प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जो मतगणना होगी उस मतगणना में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, और तमाम सारी जो भीड़ भाड़ है वो भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए पहले से ही कलेक्टर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी, किसी भी प्रकार से कोई भी जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई भी जश्न जो है वो नहीं मनाने दिया जाएगा, और जो काउंटिंग की जगह होगी, जिस जगह पर काउंटिंग हो रही है उस जगह पर भी कोई विशेष भीड़ नहीं होने दी जाएगी। हालांकि प्रत्याशी और प्रत्याशी के कुछ जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं, और इस बात को लेकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो मतगणना है वो सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुई है, इस बात को लेकर भी पुख्ता जो है जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया है। हालांकि अगर दमों की बात की जाए तो 26 राउंड होंगे, और 26 राउंडों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक के बाद एक जो है रुझान निकल कर सामने आने लगेंगे। और अगर बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी भोपाल के मानस भवन में तैयारी पूरी की गई है। पूरी तैयारी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि नतीजे भले ही यहाँ पर देखे जा सकेंगे, लेकिन यहाँ पर भी भीड़ ना लगे, और कोरोना का फैलाव जिस तरीके से देखने को मिल रहा है उस तरीके के लोग यहाँ पर संक्रमित ना हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। प्रशासन ने इस बात को पुख्ता किया है, सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी भीड़ और मॉब जैसी स्थिति ना बने, तो वो कहीं ना कहीं उसको शांत करने के लिए भी व्यवस्था रखी गई है। और जिस तरीके से अगर चाहे चुनाव बीजेपी जीते चाहे चुनाव कांग्रेस जीते, किसी भी प्रकार से इस बात को ध्यान में रखना है कि भीड़ एकत्रित ना हो, जश्न ना हो, जुलूस ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं खुले तौर पर उल्लंघन होगा लॉकडाउन के नियमों का, धारा 188 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बात को भी कहीं ना कहीं कलेक्टर्स ने सीधा साफ किया है। तो अब देखना ये होगा कि जो जीत का जश्न तो नहीं मना पाएंगे, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें से कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीत कर विधानसभा पहुंचता है। हालांकि दोनों पार्टियों ने जोर आजमाइश काफी की थी, काफी सभाएं की थी, काफी रोड शो किए थे, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो आपसे दो से 3 घंटे में साफ हो जाएगा। ठीक है दुष्यंत, बहुत बहुत बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो दमोह उपचुनाव का परिणाम भी आज घोषित होने जा रहा है। तमाम गाइडलाइन के अनुसार, तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मतगणना की जा रही है। अब आगे समय ही बताएगा कि किसका राज होता है।